राजन परीक्षित। हाँ भक्तों, ये आशीष भैया की तरफ से हमारे पास हार आया है। आशीष जी की तरफ से दोबारा फिर हमारे पास हार आया है और हमारे सभी साथियों को 50-50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं अंतिम दिन की विदाई के रूप में। भगवान, हम पहले आते थे तब इन्हीं के यहाँ रुका करते थे, तब न शादी वही थी न नौकरी लगी थी। परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि ये हमारे गले में इन्होंने हार डाला है, भगवान इन्हें हर जगह हार दे, व्यवहार में भी दे, बाजार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यापार में भी दे, हर हार में इन्हें तथा इनके परिवार के प्रति यही मेरी कांक्षा है, यही मेरी हार जोड़ करके प्रार्थना। बोल आनंद कर्म भगवान की। हाँ भक्तों, भगवान कन्हैया के जिस समय परिवार जब आगे की ओर बढ़ने लगा है, इधर है उस समय का आख्यान है जिस समय भगवान श्याम शांतिपन के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे। कृष्ण और बलराम दोनों जिस समय विद्या अध्ययन करने के लिए शांतिपन के आश्रम में गए हैं, वहां सुदामा नाम के ब्राह्मण से भेंट हो जाती है। एक दिन गुरुमाता ने ये कहा है, कन्हैया के पास में बुलाया है और ये कहा है गुरुमाता ने, कह रहे कन्हैया एक काम करो, आज हमन के लिए समुदाय खत्म हो गई है, तुम और सुदामा दोनों जंगल में चले जाओ और हवन की समुदाय ले आओ। तो द्रौपदी बोली है, ओ लाला कन्हैया, तो द्रौपदी बोली और लाला जी तन के ने ये कहा लाला सुदामा और कृष्ण, तुम एक काम करो, हवन के लिए समुदाय खत्म हो गई है, तुम दोनों जंगल में चले जाओ और हवन की समुदाय तोड़ करके लाओ। और ये सारा किया था श्याम, एक काम करो, जंगल में चले जाओ, हमन की समुदाय खत्म हो गई है। और बोले के सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तेरे बुलाता हूं, चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट सुदामा संग मेरे संध्या
गुरु पत्नी ने कहा लाला तुम दोनों चले जाओ। और गुरु पत्नी ने भुने हुए थोड़े से चना दोनों को दिए हैं और टोकरी में बांधा हुए कहा बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन एक दूसरे के साथ विश्वासघात मत करना।